तो दोस्तों यही दवा है, देखिए ध्यान से अक्षर दिख रहा है। ताना इतना लगता है दोस्तों जैसे ये लाल मिर्च पीस कर आंख में डाल दिया जाए, इसी तरह है इसका आंख में कि मेरे आंसू निकल रहा है। जो नई साड़ी है वही सब धुले हैं तो इसको रखना है। तो आज रंग बिरंगी साड़ियां हम फैला रहे हैं, देखने में अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों इधर सारा साड़ी फैला दी हूँ, देखिए इस साइड भी फैला दी हूँ। तो दोस्तों खाना को रख देते हैं। बताओ मोदी जी को देखी हो? हाँ, हेलीकॉप्टर में। किसमें? हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर में। और कौन कैसा चश्मा लगाए थे? अभी मोदी जी गुलाबी चश्मा लगाए थे। कपड़ा कौन सा? नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो जो आप सब थंबनेल में देखे हैं तो ये सब आप सबको दिखाएंगे दोस्तों और बताएंगे। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और ये वीडियो देखकर आप सबको अपना बचपन याद आ जाएगा, क्योंकि अंजलि गुंजन शीतल का आप सब देखना कि वीडियो में क्या की है, है ना अंजलि? कुछ तो दोस्तों पूरे घर का झाड़ू लगा रहे हैं, तो लगभग इस कमरे का झाड़ू लगा चुके हैं। और वैसे कूड़ा खास ज्यादा नहीं है, थोड़ा है, फिर भी लगा देते हैं। तो अंजलि क्या कर रही हो? तो दोस्तों नहाए हैं अभी अभी और बाल को धुले हैं, तो बाल भीगा हुआ है तो इसीलिए बांधे नहीं है। तो यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, पूरा भर लेते हैं, फिर आप मिलते हैं। तो दोस्तों झाड़ू लगा चुके हैं और ये पॉलीथीन हम अलग पन्नी में भर देते हैं, क्योंकि ये खेत में जाएगा कभी खाद बनकर तो नुकसान करता है खेत के लिए। दोस्तों हम पूरे को फेंक आते हैं। तो दोस्तों मैं बाल में कंघी करने जा रही थी, कूड़ा फेंकने गई थी, यहाँ अंजलि सब सिंदूर हमारा ये देखिए जमीन पे गिरा कर और उसको भर दी। तो बहुत इसी तरह करती है, मैं ऐसे डिब्बी में रखी थी कि गिरने लायक नहीं था, तो इसी तरह करती है, सारा सामान रद्द कर देती है। तो दोस्तों बाल में कंघी कर लेते हैं, वैसे बाल अभी सूखा भी नहीं है, तेल भी नहीं लगाएंगे, तो बाल को बटोर लेते हैं क्योंकि बहुत संभालते नहीं बनता कोई काम करते हैं। तो घर में ले चलते हैं, रख देते हैं कंघा इसी में। तो दोस्तों यहाँ हेलीकॉप्टर जा रहा है देखिए, और बच्चे सब शोर मचा रहे हैं। आज वीडियो नहीं बनाना है चंदन? बनाना है। तो क्यों घूम रहे हो? अच्छा ये बताओ गुंजन जहाज में कौन बैठ कर गया है अभी? मोदी। गुंजन शीतल जहाज में के बैठ के गया है? मोदी। तो दोस्तों अभी हमारे घर के पास से एक हेलीकॉप्टर, क्या बोलते हैं, जहाज। तो यहाँ चंदन खेल रहे हैं और सब लोग इकट्ठा हुए हैं, अब बुला के ले जाते हैं। दोस्तों पढ़ के आए हैं ये सब, उसके बाद में अब चल रहे हैं थोड़ा वीडियो बनवाते हैं। तो घूमते खेलते हैं दोस्तों, इसी तरह बुला के ले जाती हूँ और पढ़ाई का भी समय देती हूँ इन सबको। तो चंदन बटोर लिए, क्या क्या लिया हो चंदन, दिखाओ। ईटा। क्या है ये? देखिए चंदन का क्या बना हुआ है, इसी पे गेंद मारते हैं। और गेंद किसका है? हमारा। ये चंदन का गेंद है, देखिए चंदन के पास गेंद है, हम ही को नहीं पता है कब खरीदे थे चंदन। चंदन छिपा के रखते हैं, हमको नहीं दिखाते हैं। तो आज मैं देखी और इन सबको बुलाने आई थी, और गुंजन हमारी मोदी जी को देखी है, हेलीकॉप्टर से गए। पता नहीं उसमें कौन प्रधानमंत्री क्या बैठे हैं, कि कोई होंगे जरूर, बड़े होंगे तभी वो तो हेलीकॉप्टर पे बैठ के गए हैं। तो गुंजन को लगता है और शीतल को लगता है कि मोदी जी बैठ कर गए हैं। अंजलि बताएगी आप सबको कि कौन बैठ कर गए हैं उसमें। मोदी। कौन बैठ कर गए हैं? मोदी जी बोलो। कौन बैठ कर गए हैं अंजलि? मोदी।
अब मोदी जी का बच्चे आधा ही नाम खराब कर देते हैं, पूरा नाम लेते नहीं है। तो अंजलि बोलो मोदी जी, बोलो बोलो मोदी मोदी जी। नहीं बोलेगी अंजलि, वो अपना ही भाषा बोलेगी। तो हम यहाँ से चलते हैं। चलो गुंजन शीतल सब खेल खत्म, आ जाओ चंदन गुंजन अंजलि। तो देखिए बुला के ला रही हूँ, सब लोग यहाँ आ रहे हैं। और अंजलि हमारे तो ये पकड़ी हुई है, तो चंदन हमारे खेलने का थोड़ा टाइम मिला, आधा घंटा खेले हैं। मैं सोची खेल लें फिर बनाते हैं। तो यहाँ निराई कर रहे हैं धनिया की, धनिया बहुत अच्छे से हमारा अबकी बार उगा हुआ है। तो खर पतवार निरा रहे हैं, देखिए पालक कितना अच्छे से तैयार हुआ है। दोस्तों कुछ इस तरह धनिया हमारा अबकी बार उगा है। आपकी किचन गार्डन थोड़ा था लेकिन बहुत अच्छे से यहाँ उग गया है, तो खर बहुत लग गया है इसमें। और ये जो पालक है धनिया से निकाल देते हैं, नहीं तो ये धनिया दब जाएगा, अच्छे से उगेगा नहीं। तो देखिए पालक निकाल रहे हैं, तो हम घास को पूरा निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए सुबह सुबह हम सब लड्डू खा रहे हैं, आज हम सबको लड्डू खाने को मिला, तो ये प्रसाद है सभी के हिस्से का है। तो अंजलि थोड़ा देंगे खाने के लिए, क्योंकि अंजलि का थोड़ा इस समय तबीयत खराब है। और यहाँ लड्डू में ढक के किसी प्लेट में रख देते हैं, और थोड़ा सा लड्डू मैं भी ले ली हूँ, खा रही हूँ। तो दोस्तों धनिया की निराई करके आ गई हूँ, चाय भी पी लिए हम सब और लड्डू भी खा लिए। चंदन के पापा चाय बनाए थे, अंजलि हमारी तो लड्डू और पा जाए तो सारा खा ले, लेकिन थोड़ा इसका तबीयत खराब है, मीठा नहीं खिलाएंगे और चंदन गुंजन आकर खाएंगे। तो दोस्तों हम बीच में वीडियो बनाते रहे, हाथ डुलाते रहे, मक्खियों का यहाँ डेरा है हमारे घर, और गांव में लगभग सभी के घर है। तो दोस्तों तो कपड़े को धुल ली हूँ, आज सारा नया नया साड़ियाँ धुली हूँ, तो यहाँ फैला रहे हैं दोस्तों, उतना सारा कपड़ा फैला दी हूँ। और आज साड़ियाँ जो नई साड़ी है वही सब धुले हैं, तो इसको रखना है उधर साइड, सारा साड़ी फैला दी हूँ। और एक दो साड़ी और है फैलाने के लिए, तो आज रंग बिरंगी साड़ियाँ फैला रहे हैं, देखने में अच्छा लग रहा है। तो एक साड़ी और बचा है फैलाने के लिए, इसको फैला देते हैं। तो दोस्तों इधर सारा साड़ी फैला दी हूँ, देखिए इस साइड भी फैला दी हूँ, और एक साड़ी बचा है उस साइड फैला देती हूँ। तो इधर साइड भी फैला देते हैं। तो दोस्तों कपड़ा फैला दिए हैं और दाल चावल बनाई हूँ, और चलती हूँ। तो दोस्तों खाना को रख देते हैं, तो खाना बन गया है दोस्तों, बाकी अब लिपाई करना है, बर्तन धुलना है, यही सब काम है। तो दोस्तों यहाँ मैं दवा डाल रही थी, और चंदन वहाँ पीछे कैमरा के खड़े होकर दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं मम्मी रो रही है, दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए ये दवा इतना लगता है, इतना दवा लग रहा है आँख में कि मेरे आंसू निकल रहा है, बहुत तेज, जैसे मिर्ची पीस कर डाल दिया गया हो आँख में। चंदन का बात भी पूरा कर दूं, दिखा रहे हैं हमें रोते हुए, दिखा रहे हैं वीडियो में, तो दिखाने देते हैं दोस्तों, भेज देंगे वीडियो। तो दोस्तों यही दवा है, देखिए ध्यान से अच्छा दिख रहा है साफ साफ, तो यही दवा डालते हैं दोस्तों। बताना आप सब भी डाले हैं ये वाला दवा आंखों में कोई भाई बहन, तो बताना। इतना लगता है दोस्तों जैसे ये लाल मिर्च पीस कर आंख में डाल दिया जाए, इसी तरह है इसका, तो वैसे थोड़ा आराम होता है इससे दोस्तों। और बाकी जो अभी तक दवा करा रही थी उससे उतना फायदा नहीं होता था, पहले लगता तो बहुत है, बाद में आराम होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और टाइटल डाल दी थी, और हमारे यहाँ से हेलीकॉप्टर गुजर रहा था हमारे घर के पास से, सब लोग बोल रहे थे मोदी जी आए हैं मोदी जी आए हैं,
तो ये सब क्या कहती हैं दोस्तों, कई बच्चे और साथ में रहते हैं, बोलेंगे मोदी जी को हम हेलीकॉप्टर में देखे हैं, कोई बोलेगा हम देखे हैं, कोई बच्चे बोलेंगे कि मोदी जी किस तरह चश्मा लगाए थे, किस तरह कपड़ा पहने थे, सब अपने अनुभव के हिसाब से बताते हैं। तो अंजलि बताओ, मोदी जी को देखी हो? हाँ, हेलीकॉप्टर में। किस में? हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर में। और कौन कैसा चश्मा लगाए थे? गुलाबी। मोदी जी गुलाबी चश्मा लगाए थे। कपड़ा कौन सा कलर पहने थे? पीला। और जूता कैसा पहने थे? आसमानी। आसमानी। और टोपी कैसे लगाए थे? लाल। तो दोस्तों बच्चों को बात देखी तो मैं यही बताना चाहती थी कि ये सब सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं, बच्चे अपने अनुभव से बताते हैं, जो मैं आप सबके सामने और अंजलि से पूछ कर शेयर करवा दी। यही बात गुंजन भी दोहराती हैं, शीतल भी दोहराती हैं, चंदन इतना बड़े हैं वो भी बोलते हैं मोदी जी बैठ कर गए हैं, लेकिन कहते हैं हम देखे नहीं हैं। लेकिन ये तीनों लोग मोदी जी को जहाज में देख लेते हैं, किस तरह कपड़ा पहने हैं, किस तरह वो टोपी लगाए हैं, किस तरह जूता पहने हैं, किस तरह उनका चश्मा है। तो अंजलि बताई है गुलाबी चश्मा, भला मोदी जी गुलाबी चश्मा लगाते हैं, आप सब बता तो इन सब का बात हमें भी सुनकर बहुत हंसी आता है, तो सोची कि थोड़ा आप सबको भी सुनाया जाए, आप सबको भी अच्छा लगेगा। तो गुंजन मोदी जी को देखी थी हेलीकॉप्टर में? देखी हाँ। थी शीतल? देखी थी। वैसे कैमरा के जब जा रहे, जब हेलीकॉप्टर देखते हैं तो बोलते हैं हाँ, मोदी जी जा रहे हैं, बैठे हैं। हाँ, अंजलि देखी थी, शायद मोदी जी हैं कि कौन से मोदी जी बैठे हैं, उसमें दिखाई ही नहीं देते, सिर्फ हेलीकॉप्टर छोटा सा दिखाई देता है दोस्तों। और जब हेलीकॉप्टर बच्चे देखते हैं तो मेरे गाँव के सभी बच्चे खुश हो जाते हैं, निकल पड़ते हैं देखने के लिए। तो दोस्तों आप सब नाराज ना होना कि संगीता कैसा टाइटल डाल दी है वीडियो में, कोई गलती होगा दोस्तों तो माफ करना। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। मोदी जी के कैसे लाल, कमेंट करके बताओ। मोदी जी को दिखाई ही नहीं, कमेंट करने को बता रही है अंजलि, हद कर देती है दोस्तों। नमस्ते।